नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि जब से अयोध्या में रामलला का मंदिर उद्घाटन होने की तिथि तय हुई है और अयोध्या मास्टर प्लान 2031 जब से पब्लिश हो गया है, उसके बाद से अयोध्या में जो इन्वेस्टर्स हैं इनके आने का क्रम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग निवेश के लिए अयोध्या मास्टर प्लान के क्षेत्र के अंतर्गत जमीन देखना चाह रहे हैं, जहां वो अपनी कॉलोनी डेवलप कर सकें या कोई होटल बना सकें या कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना सकें। तो आज मैं इस पर बात करूँगा कि अयोध्या मास्टर प्लान को, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अभी पूरे अयोध्या का जो मास्टर प्लान बनने वाला है वो दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग को भाग का या पार्ट वन कह सकते हैं, जो बुकलेट आपके सामने है, इसके कई वीडियोज में आपको बना चुका हूं पहले। ये अयोध्या मास्टर प्लान 2031 का वो बुकलेट है जो पब्लिश हो चुकी है, मास्टर प्लान जो जारी हो चुका है 2031 तक का। लेकिन ये पूरे शहर का वो मास्टर प्लान नहीं है जो पूरे अयोध्या के बारे में मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, पार्ट वन है। पार्ट टू में गोंडा और बस्ती जिले के 343 राजस्व ग्रामों को और शामिल करते हुए पार्ट टू तैयार किया जा रहा है। वो अभी शासन स्तर पर क्रियाशील है, काम हो रहा है उसमें, अभी पब्लिश नहीं हुआ, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो आके ये समझना चाहते हैं कि आखिर हम ऐसा कौन सा स्थान चुने जहां हम अपनी परियोजना को क्रियान्वित कर पाएं, जिसका पोटेंशियल अच्छा हो, ग्रोथ स्ट्रेटजी अच्छी हो। तो मैं आपके सामने एक कंप्रहेंसिव प्लान रख रहा हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारी जो पार्ट वन की अयोध्या मास्टर प्लान 2031 की बुकलेट है, ये केवल पार्ट वन ही बताती है, इसमें पूरा कोई प्लान नहीं है आपके सामने। और पार्ट टू का प्लान अभी पब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए उसकी जानकारी अभी लोगों के तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मैंने एक कंप्रेंसिव प्लान आपके लिए निकाला है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी कार्यालय में नहीं मिलेगा, कहीं से भी कैसे भी करके व्यवस्था की है। इसमें मैं अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के पार्ट वन का डिटेल और पार्ट टू का भी वो डिटेल आपको बताने वाला हूँ जो भविष्य में आने वाला है, जो गोंडा और बस्ती के 343 राजस्व ग्राम जिसमें शामिल किए गए हैं। तो डिटेल आपको बताता हूँ कि इसमें जो अर्बन ग्रोथ स्ट्रेटजी है वो क्या है, पूरे अयोध्या का जब विकास होगा तो क्या स्ट्रेटजी रखी जाएगी, शहरीकरण कैसे होगा, बाहरी रिंग रोड और अन्य सड़क परियोजनाएँ कैसे काम करेंगी, कहाँ पर इन्वेस्टर्स अगर पार्ट वन के मास्टर प्लान में लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए कौन सी जगह उपयुक्त है, पार्ट टू में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी जगह लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये प्लानिंग दिमाग में जब तक नहीं होगी कि कहाँ पर क्या बनने वाला है, कौन सी सड़क बनने वाली है, कहाँ पर अर्बन ग्रोथ स्ट्रेटजी के हिसाब से कॉमर्शियल आने वाला है, कहाँ पर न्यू टूरिज्म एंड स्पिरिचुअल जोन बनने वाला है, कहाँ पर रामायणा जोन बनने वाला है, कहाँ पर अर्बन ग्रोथ में न्यू इकोनॉमिक नोड्स बनने वाले हैं, जब तक ये नहीं पता लगेगा तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी ज़मीन को फाइनल करने में उनको रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है कि पता लगा उन्होंने ज़मीन को सिलेक्ट कर लिया और वहाँ पर कुछ बनने वाला नहीं है, या फिर नए मास्टर प्लान में वहाँ पर कोई ऐसा उपयोग आ गया जिसके अंतर्गत वो कोई क्रिया नहीं कर सकते हैं, या पुराने एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान में भी कौन सी जगह ऐसी उपयुक्त है जहाँ पर उनके ज़मीन खरीदने पर उनका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम यूज हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिल सकता है। तो पूरे अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के पार्ट वन और पार्ट टू का एक कंप्रेहेंसिव आपको नक्शा आपके सामने है, आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे कि क्या अर्बन ग्रोथ स्ट्रेटजी रखी गई है अयोध्या मास्टर प्लान 2031 में। तो आइए स्क्रीन पर चल के देखते हैं। दोस्तों, आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बाहरी रिंग रोड और अन्य सड़क परियोजनाओं को दर्शाता हुआ अर्बन ग्रोथ स्ट्रेटजी का पूरे अयोध्या का मास्टर प्लान है जो पार्ट वन और पार्ट टू को शामिल करते हुए है। तो मैं पहले बात करता हूँ एक तरफ से कि इसमें क्या क्या दिखाया हुआ है, कहाँ पर क्या बनने वाला है, आप अपने स्क्रीन पर देखते रहिए, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, इस पूरे मास्टर प्लान में ये जो आउटर बाउंड्री आपको दिख रही है इस तरह से घूमती हुई, जो ब्लैक से इसमें बाउंड्री की लाइन दिख रही है, यहाँ पर मैं अपना पेन घुमा रहा हूँ, ये पूरे अयोध्या मास्टर प्लान 2031 का आउटर बाउंड्री की लाइन है। पार्ट वन और पार्ट टू इसके अंतर्गत दोनों शामिल हैं। मुख्य रूप से ये सरयू रिवर है जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है, सरयू रिवर के नीचे की तरफ पार्ट वन है, सरयू रिवर के ऊपर की तरफ पार्ट टू है जो अभी पब्लिश नहीं हुआ, जिस पर शासन में काम हो रहा है। जब ये काम पूरा हो जाएगा, शासन में अप्रूव्ड हो जाएगा, तो पार्ट टू पब्लिश किया जाएगा। आज मैं कंप्रेंसिव आपको बताने वाला हूँ कि पार्ट वन और पार्ट टू में ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या रखी गई है। ये आपने
आउटर बाउंड्री वाल देख ली, अब मैं समझाता हूँ आपकी ज्योग्राफिकल पोजीशन इसकी। देखिए ये जो रोड है सरयू रिवर पार करके ये गोंडा की तरफ जा रही है, ये गोंडा रोड है। इसी तरह अगर नीचे चलेंगे तो ये प्रयागराज रोड है, और ये जो रेड कलर से दिख रही है ये रायबरेली रोड है। इसी तरह ये लखनऊ रोड है, लखनऊ की तरफ जाने वाली है। अब बात करते हैं इसके राइट हैंड में, तो यहाँ पर आपको ये जौनपुर रोड दिख रही है, ये जौनपुर को जाने वाली सड़क है। और ये जो रोड आपको दिख रही है ये गोरखपुर रोड है। इस तरह एक ज्योग्राफिकल पोजीशन आपको अयोध्या की पता लग पा रही है कि रोड का नेटवर्क कैसे जुड़ा हुआ, रोड से अयोध्या कैसे कनेक्टेड है। अब बात करते हैं कि इसके ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या रखी गई है मास्टर प्लान 2031 में। देखिए शुरू करते हैं एक तरफ से। इस पूरे मास्टर प्लान के चित्र में जो आप ये खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पर अभी सरयू नदी के दूसरी तरफ मास्टर प्लान बनाने का काम चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ डिफाइन किया जाना संभव नहीं है। जब मास्टर प्लान जारी हो जाएगा तभी पता लगेगा। लेकिन ग्रोथ की स्ट्रेटजी भी सरयू नदी के पार अभी तक जो निश्चित की गई है लेकिन पब्लिश नहीं हुई है, उसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा। और इधर की जो ग्रोथ स्ट्रेटजी है सरयू नदी के नीचे की तरफ जो हमारे पार्ट वन में है, उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। तो जो वाइट से दिख रहा है यहाँ पर अभी डिफाइंड नहीं है, मास्टर प्लान 2031 के भाग एक में कुछ पोर्शन इसका डिफाइंड है, तो अगले किसी वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूंगा। अब पेन के साथ चलिए। ये न्यू इकोनॉमिक नोड्स हैं, ये एरो जहाँ पर जा रहा है ये रेड कलर से जो दिखाए गए हैं गोले से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये न्यू इकोनॉमिक नोड्स हैं, मतलब यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ तेजी से विकसित की जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं अर्बन ग्रोथ जोन। अब इस एरो को पकड़ के चलते हैं अर्बन ग्रोथ जोन के लिए। ये लाइन यहाँ से आगे बढ़ रही है और ऐसे ये जा रही है, यहाँ पर एरो दिख रहा है, मतलब ये जो पीले कलर से दिखाया है सरयू नदी के नीचे, इसी तरह पीले कलर से दिखाया है सरयू नदी के ऊपर। ये मास्टर प्लान के भाग एक में पब्लिश हो चुका है, ये अर्बन ग्रोथ जोन है, मतलब यहाँ पर शहरीकरण की गतिविधियाँ तेजी से बढ़ेंगी। इसी तरह जब पार्ट टू पब्लिश हो जाएगा तो वहाँ पर ये पीले कलर से दिखाया गया भाग अर्बन ग्रोथ जोन के अंतर्गत विकसित किया जाएगा, यहाँ पर शहरीकरण तेजी से बढ़ेगा। जब यहाँ तेजी से शहरीकरण बढ़ेगा, और अभी यहाँ पर ग्रोथ नहीं है, अभी खाली मास्टर प्लान बनाने के काम चल रहा है, तो यहाँ पर आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पोटेंशियल अच्छा है इस सरयू नदी के पार वाले हिस्से में, क्योंकि यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक नोड्स भी आपको दिख रहे हैं, अर्बन ग्रोथ प्लान भी दिख रहा है, अर्बन ग्रोथ के अंदर भी दिख रहा है ये पोर्शन। अब इसी तरह बात करते हैं सिटी अर्बन कोर। अब हम इस एरो को पकड़ कर चलते हैं सिटी अर्बन कोर के लिए, ऐसे चल के आगे बढ़ते हैं, तो ये एरो इधर जा रहा है, मतलब सिटी के ग्रोथ का शहरीकरण का जो कोर पॉइंट है, आंतरिक भाग है, वो यहाँ पे दिख रहा है। इस एरो को अगर पकड़ के चलते हैं तो ऐसे जाके ये यहाँ पे एरो जा रहा है, और ये बीच का हिस्सा जो सिटी का अर्बन कोर भाग है। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो कैंटोनमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके साथ ये एरो चल रहा है, ये जो पोर्शन है ये कैंटोनमेंट है, यहाँ पर जो छावनी क्षेत्र है वो दिखाया गया है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ये अर्बन ग्रोथ जोन है जो हमने पहले अभी डिस्कस किया है, पीले भाग से जो दिख रहा है यहाँ शहरीकरण तेजी से होगा। और ये न्यू इकोनॉमिक नोड जो अभी हमने 9 आपको आर्थिक विकास क्षेत्र बताए थे, न्यू इकोनॉमिक नोड्स हैं, वो एरो ये शो कर रहा है, यहाँ पर दोबारा से बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर दो थे, और यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक नोड्स के लिए फिर से एरो बनाया गया है। अब यहाँ पर इसके बाद ये अयोध्या विकास प्राधिकरण की आउटर बाउंड्री जो हमने पहले आपसे डिस्कस की थी, ये गोंडा जाने वाला रोड है, यहाँ पर हमने देखा था ये लखनऊ जाने वाला रोड है, ये रायबरेली जाने वाला रोड है, यहाँ से हमने शुरू किया था प्रयागराज जाने वाले, इलाहाबाद जाने वाले रोड से। अब आगे बढ़ते हैं रामायण स्पिरिचुअल जोन, ये एरो पकड़ के चलेंगे तो ये जो ग्रीन भाग दिख रहा है ये ग्रीन भाग रामायणा स्पिरिचुअल जोन है, यहाँ पर राम टेम्पल बना हुआ है और पूरा स्पिरिचुअल जोन बना हुआ है। इसके बाद ये न्यू इकोनॉमिक नोड्स जो पहले हमने 9 नोड्स की बात करी थी, वो यहाँ पर नोड्स दिख रहे हैं, ये न्यू इकोनॉमिक नोड्स हैं। न्यू टूरिज्म एंड स्पिरिचुअल जोन, अगर हम इस एरो को पकड़ के चलेंगे तो ये जो जोन रेड से दिखाई पड़ रहा है आपको सरयू नदी के दूसरे तरफ मास्टर प्लान 2031 के पार्ट टू में जो आने वाला है, ये हमारा न्यू टूरिज्म एंड स्पिरिचुअल जोन बनने वाला है। यहाँ पर टूरिज्म के नए अवसर पैदा किए जाएंगे क्योंकि घाट के किनारे घाटों का विकास होगा, तरह तरह के टूरिज्म एक्टिविटीज यहाँ शामिल होंगी। इसके बाद आगे चलते हैं सरयू आइकॉनिक ब्रिज, ये देखिए यहाँ पर इस एरो को अगर पकड़ के चलते हैं तो ये एरो ऐसे आया, जहाँ पर सरयू नदी सबसे कम चौड़ाई में है
यहाँ पर एक आइकॉनिक ब्रिज बनाया जाएगा सरयू नदी के ऊपर। इस एरो के माध्यम से दर्शाया गया है सरयू आइकॉनिक ब्रिज। सरयू आइकॉनिक ब्रिज के बाद हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं, अयोध्या स्पिरिचुअल एंड कल्चरल जोन। इसको पकड़ के चलते हैं एरो को, ये यहाँ पे आया। ये हमारा जो है ये कल्चरल जोन है जो येलो से दिख रहा है, अयोध्या कल्चरल जोन। और उसके बाद चलते हैं न्यू इकोनॉमिक नोड्स के अंतर्गत, वही पॉइंट्स फिर आ गए जो हमने अभी डिसाइड किए थे, जो रेड से सर्कल से दिख रहे हैं, ये न्यू इकोनॉमिक नोड्स हैं। आर्थिक गतिविधियां यहाँ तेज़ी से विकसित होने वाली हैं। और इसके बाद हम लोग आ गए ये गोरखपुर रोड पर। गोरखपुर रोड के बाद ये ग्रीन फील्ड टाउनशिप है, जैसे हमने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है उसमें बताया था कि यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ग्रीन फील्ड टाउनशिप योजना विकसित हो रही है। यहाँ पर रेड जो हमारा न्यू इकोनॉमिक नोड्स है इसके अंदर ही है ये। और ये काफ़ी तेज़ी से यहाँ काफ़ी मठ मंदिरों और विभिन्न देशों के जो हमारे गेस्ट हाउसेज बन रहे हैं उनके लिए ज़मीन यहाँ आवंटित की जा रही है। उसके बाद ये न्यू इकोनॉमिक नोड्स यहाँ पर फिर आ गया है। और ये आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट गेटवे दिख रहा है, जैसे यहाँ से चलते हैं यहाँ पर आपको हवाई जहाज़ उड़ता हुआ सा चित्र बना हुआ है, ये हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद हम इंस्टीट्यूशनल एंड कल्चरल कॉरिडोर की बात करें अगर, तो इस एरो को पकड़ के चलेंगे तो ये जो हमारी प्रयागराज वाली रोड है अयोध्या से बाहर आ रही है, इस पर दोनों तरफ संस्थाएँ मतलब इंस्टीट्यूशनल और कल्चरल कॉरिडोर बनाए जाने का प्रस्ताव है। इस पर तेज़ी से काम हो रहा है, ज़मीन एक्वायर की जा रही है और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा भी यहाँ पर काम किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बाहरी रिंग रोड और अन्य सड़क परियोजनाओं को शामिल करते हुए अर्बन ग्रोथ स्ट्रेटजी अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के पार्ट वन और पार्ट टू में किस तरह रहने वाली है, इस वीडियो के माध्यम से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी मदद मिलने वाली है, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी नई विकास परियोजना का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मैं अगले वीडियो में इन नई परियोजनाओं के बारे में विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि उन परियोजनाओं के बारे में जानकर भी आप अपने इन्वेस्टमेंट के संबंध में निर्णय ले सकते हैं कि परियोजनाओं के आसपास किस तरह की गतिविधियां विकसित होंगी और हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा कितना फिजिबल रहेगा, ग्रोथ का क्या स्कोप रहने वाला है। तो अगले वीडियो में मैं इन टॉपिक्स पर बात करूंगा। इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।